हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो न्यू ईयर्स डे की है। मैंने डाली नहीं थी तो आज डाल रहा हूँ। तो इसमें मैंने अपने ओल्ड स्कूल को विज़िट किया था, तो चलो मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। तो चलिए, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और आज हम अपने पुराने स्कूल जाने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाएंगे। ये है हमारा बचपन का स्कूल, एक बड़ा स्कूल भी है, उधर भी जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने बड़े वाले स्कूल में, हॉली एंजल स्कूल। तो यहाँ से हर रास्ता बंद है घुसने के लिए, तो हम घुसेंगे नीचे से। तो चलो तरुणा, लेट्स स्टार्ट। इधर से घुसना, इधर ज़्यादा है स्पेस। वही, ये भी तो निकाल। क्या, ये देखिए, यहाँ पर हमारी बस आती थी सुबह सुबह, और बहुत बहुत कुछ चेंज हो गया है। इसका कलर भी बहुत चेंज हो गया, और हम यहीं पर खड़े रहते थे, एक घंटा हो जाता था हमें बात करते करते। यहाँ पर इन नालियों से जाया करते थे, कुछ इस तरह से पानी आता था इसमें, बहुत मज़ा आता था। और ये थी हमारी छोटी सी कैंटीन, यहाँ पर 10 रुपए के 4 मोमोज मिलते थे, बहुत मज़ा आता था। और ईशान भी हमारे स्कूल पहली बार आ रही है, एंड यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, यू कैन सी। एक चीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट थी कि हमारी स्कूल की लोकेशन बहुत ही अच्छी जगह पे थी, बिल्कुल जंगल में। यार वो दिन भी क्या दिन थे, ऐसा लग रहा है तरुणा, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया। मैं तो नॉस्टैल्जिया में डूब रही हूं, डूब रही हूं। यार सच में कितना मजा आता था ना, यहाँ से चढ़ते थे। अब तो ये इतना लंबा लगता था ना, ये जो पत्थर लगा है, इतनी ऊंची कैंटीन पर रख दो। अंकल, वक्त आशा कैसे ऊपर हमारी असेंबली यहाँ होती थी, पर हाँ ऊपर, सॉरी सर, कई बार स्टार्टिंग में जब आए थे ना तब होती थी यहाँ पे ना, फिर तो ऊपर ही करते थे असेंबली, क्योंकि काफी नीचे था ना हमारा, था शिवालिक हाउस। हमें भी दिखाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपके। पर ऐसे कुछ, हमारे स्कूल बहुत खूबसूरत है, छोटा है पर बहुत खूबसूरत है। शर्म ना आए रे। और यहाँ खेलते थे हम कुछ, यार यहाँ दिख पेड़ के ऊपर चढ़ के कुछ परी परी खेलते, क्या खेलते थे, बहुत मजा आता था यार। और एक बार याद है दरुना, 5th class में थे हम, और इतनी जोर की बारिश आई थी, वो आगे वाला जो है वो टूट गया था, तो बड़ा पत्थर आया था, बड़ा पत्थर नहीं, एक बार ये ऊपर को जाने वाला रास्ता ही धस गया था नीचे को, पत्थर आया था, याद है देख, हम बैठे हुए थे यहाँ पे और इतना बड़ा पत्थर आया था, और यहाँ आके रुक गया था वो, यहाँ पत्थर कितने बार गिरते रहते थे हमारे स्कूल में। और क्या बोलते हैं, ये था हमारा स्कूल। हाय,
लिखा है H1 नहीं है ना, H2 है, सिर्फ H3 से अब मेरी भी वाइट कलर की होती थी पता है। ये देखिए उसके पीछे तरुण है और ये हमारी क्लास का है और ये मैं हूँ भी। यहाँ पर हमारी क्लास कितना मजा आता था जब हमारी स्मार्ट क्लास में लगती थी ना क्लास। ये देख सृष्टि और क्यों थी येलो कलर की हमारी होती थी रेड कलर की। ये है सिमरन और लिया आगे। टीचर इज द लैंप ऑफ Nation. Teacher is the only person who served the society in real manner. Salute to all the teacher of nation. Yes. Keep finding it. We miss our school so much. Hamari teachers, Sonia ma'am, MD ma'am. Hamari smart class mein aapne kitni book rakhi hai. Ma'am. Ab bachchon ki classes hoti hai. Ab to smart class. Upar. Us smart class mein hum gaane lagate the jab practice karte the. Ye dekho. ये रूपाल की थी, इन्होंने इनकी पहली बार आई थी 10 CGPA और ये देख सिमरन तरुण और सृष्टि भी है इसमें। ये हमारा बॉयज टॉयलेट बंद किया है यहाँ पे अंदर, वो कुंडी तोड़ती होती थी क्योंकि लड़ाई करते थे लड़के। और यहाँ तू हो इन मनी हम उसी तरफ पर सीनियर्स जितने भी हमारे फेवरेट सीनियर थे जो पानी देते थे यहाँ बैठती थी मैं यहाँ पे मैं बैठती थी कि हम हाँ और मैं उधर बैठता था। ये नहीं है हमारी उधर वाली क्लास में ये थी हमारी 8th क्लास जब हम 8th क्लास में थे। वो देख वो तुमने ओरे पिया क्या था वो वाला ना, मेरा इतना मन करता था उस वक्त डांस करने का। कुत्ते वाला अच्छा हाँ रॉबिन का बनाया था ना, हाँ डॉग ब्रीड्स का मैंने रॉबिन की इतनी सुंदर सुंदर फोटोज रॉबिन क्या और भी थे मेरे को भी देख दे। ये थी हमारी 10th क्लास अभी आना ही कर दिया ये बेस्ट थी हम लास्ट में बैठता था सोनिया मैम होती थी हमारी क्लास टीचर वो सबसे बेस्ट टीचर थी मतलब है उनका पढ़ाया हुआ आज तक याद है। वैसे सारे थे सुशीला मैम जया मैम फंक्शन वगैरह तो कैसा लगता था ना स्कूल और हम सब एक दूसरे में पानी फेंकने लगे या तो मीनाक्षी मैम आई थी फिर हमारे को डांट मेरे को नहीं पता स्वाखा तुझे कुछ याद मेरे को एक बार याद है ऊपर वाली क्लास में बता दे वो जब देख अमनप्रीत और मैं दरवाजे के पीछे छुप गए थे और पूरी क्लास इतना शोर कर थी डोलमा मैम का पीरियड था हाँ और पता है दरवाजे के पीछे छुप गए ऊपर दिखाता हूँ वो क्लास ना I'm not sure. 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 I